हे गाइस, तो आज मैं लेके आई हूँ क्रिस्पी रोस्टेड चिकन की रेसिपी, जो कि हम विदाउट ओवन बनाने वाले हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है, स्वादिष्ट लगता है। अगर आप चिकन खाते हो तो इस रेसिपी को एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 किलो चिकन, और इसको हम मैरिनेट करेंगे पहले। और नॉर्मल स्पून जो घर में होता है उसका यूज़ किया है। 2 चम्मच लेंगे हम बेसन के, आप चाहो तो भुना बेसन भी ले सकते हो। और 2 चम्मच लेंगे धनिया पाउडर, और 1/2 स्पून लेंगे हम हल्दी पाउडर। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, मैंने यहाँ पे 1 चम्मच लिया है। और 1 चम्मच लेंगे रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जो देगी मिर्च आती है MDH की, वो मैंने यहाँ पे डाली। और 1/2 चम्मच जो है तीखी मिर्च डालेंगे। और 1 बड़ा चम्मच लेंगे, यानी कि यही वाला गरम मसाला। और ये है कसूरी मेथी, 1 चम्मच लेंगे कसूरी मेथी। और साथ में इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट, मैंने रेडीमेड जो मार्केट में आता है वो भी आप घर का बना हुआ भी ले सकते हो। तो 1 से 2 चम्मच या फिर 1.5 चम्मच जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। और साथ ही इसमें 2 स्पून जाएगा गाढ़ा दही, पानी वाला दही नहीं होना चाहिए। और साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच सरसों के तेल का, और 1 नींबू का रस, यानी मीडियम साइज़ का नींबू लेंगे और उसका हम जूस निकाल लेंगे, वो इसमें ऐड करेंगे। और साथ ही 1/2 चम्मच डालेंगे इसमें हम चाट मसाला, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है चिकन का। और इसे अच्छे से हम स्पून या फिर हाथों की सहायता से अच्छे से इसको रब कर लेंगे चिकन के पीसेस को, ताकि जो ये हमने चीज़ें इसमें डाली, मसाले डाले, अच्छे से चिकन में एब्जॉर्ब हो जाए। और इसे 1 या 2 घंटे के लिए ढक के रख देंगे। आप चाहो तो 1/2 घंटा भी रख सकते हो, 15 मिनट भी रख सकते हो, या फिर इमीडिएटली आप तुरंत बना सकते हो तो भी अच्छा लगता है। तो मैंने इसको 1/2 घंटे के लिए रखा था। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे नॉनस्टिक पैन लिया है, इसको गर्म कर लेंगे और इसमें डालेंगे 4 बड़े चम्मच, यही चम्मच जिससे मैंने मसाले जो है मापे थे, यही हम 4 चम्मच जो है सरसों का तेल लेंगे और इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है 1/2 घंटा हो चुका है चिकन को रखे, और फ्लेम को मैंने हाई रखा अभी। और एक एक करके हम चिकन के पीसेस इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास चिकन ज़्यादा है तो आप जो है 2 बैचेस में भी बना सकते हो। तो मैंने इसी में एडजस्ट कर लिया है, जितना भी चिकन, 1/2 kg मैंने चिकन लिया, इसी में एडजस्ट कर लिया है पैन में। और फ्लेम को हम हाई रखेंगे और 1 से 1.5 या 2 मिनट तक हम इसे जो हाई फ्लेम पे इसी तरह से अच्छे से पकने देंगे एक साइड से, ताकि जो ये मसाला वगैरह ऐड किया है यानी कि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। और जो थोड़ा बहुत मसाला था बोल में, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है, चिकन पे लगा दिया है। तो 1.5 से 2 मिनट हम इसे ऐसे ही पकने देंगे हाई फ्लेम पे। तो ये देखिए 1.5 से 2 मिनट हो चुका है। तो मैं जो है चिकन के पीसेस को एक एक करके पलट दूंगी, ताकि दूसरी तरफ से भी इसी तरह से जो है थोड़ा क्रिस्पी हो जाए। तो दूसरी तरफ भी हम जो है 1 से 1.5 मिनट ऐसे ही पका लेंगे, और उसके बाद जो है हमें इसे ढक के पकाना है। आप ज़रूर इस रेसिपी को एक बार ट्राई करके देखिएगा, अगर आप चिकन खाते हो तो बहुत ही मतलब टेस्टी ये लगने वाली है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे चिकन के पीसेस को पलट दिया है दूसरी तरफ, और 1-1.5 मिनट तक ऐसे ही हम इस तरफ से भी इसे पका लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आ गया, दूसरी तरफ से भी इस तरह से जो है फ्राई हो चुका है चिकन। और अब हम इसे ढक्कन लगा के और फ्लेम को कम कर देंगे, मतलब जो बिल्कुल स्लो होता है उसे थोड़ा सा ज़्यादा जो है फ्लेम हम रखेंगे। और ढक के हम 15 मिनट या 20 मिनट, जब तक चिकन नहीं पक जाता, अंदर से अच्छे से कुक नहीं हो जाता, तब तक इस तरह से हम इसे पका लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जो है 15 से 20 मिनट मुझे लगे, तो मैंने जो है इसका कवर हटा दिया। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बीच में थोड़ा सा जो है हिलाते रहिएगा चिकन को, ताकि ये जले नहीं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे जो है ढक्कन हटा दिया, 15 से 20 मिनट हो चुके। तो ओपन करके हम जो है 2-3 मिनट और पका लेंगे।
तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से, मतलब ये कुक हुआ है, बहुत ही अंदर तक अच्छे से कुक हुआ है। तो सर्व करते हैं गर्मा गर्म। यहाँ पे मैंने बारीक प्याज काटा है, नींबू वाला चाट मसाला वगैरह डाल के, आप हरी चटनी के साथ, लाल चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मतलब टेस्टी लगता है ऐसा चिकन, तो आप ज़रूर ट्राई करें। विदाउट अवन आप घर पे जो है पैन में बना सकते हो, यानी कि तंदूरी जैसा जायका जो है आप घर पे पैन में ले सकते हो। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और अगली रेसिपी के साथ।